started to change. Hey, good morning everybody. Good morning from Run of Kutch. थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा बर्थडे नाइट थी तो काफ़ी लोगों की विशेज एंड कॉल आ रही थी. यहाँ ज़्यादा अच्छे से देखो चीज़ें अब आए हैं इस बार ट्रैवल में तो सब चीज़ें इंजॉय करते हुए जाएंगे. तो मैं हूँ अभी रन ऑफ कच्छ में और अभी कैंप कर रहे हैं. Hey, good morning everybody. यहाँ हमारा कैंप सेटअप था. मैं अभी रण में हूँ और ये देखिए हमारा गाड़ी खड़ी है. यहाँ एक ढाबा मिला था तो इसी के पास में गाड़ी लगा ली थी. आगे होटल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं था. ये काफ़ी दूर से हम देखते हुए आ रहे थे और वो देखिए टेंट और उस पेड़ के बीचों बीच सनराइज भी हो चुका है. क्या खूबसूरत नज़ारा है. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कच्छ. और अभी जस्ट रेडी हो चुके हैं. रेडी होने के बाद अभी जस्ट यहाँ से परौंठे खाएंगे और उसके बाद निकलने की प्लानिंग है धोलावीरा के लिए. अपनी गाड़ी खड़ी है उधर आगे जाके हमने नहाना धोना कर लिया है. अपने राजस्थानी भाई क्या बात है. हेलो कर दो. हेलो हमारे परौंठे परौंठे लग गए हैं तो ये डिलीशियस सा फूड खाते हैं. यहाँ से कच्छ अभी ऑलमोस्ट जहाँ में जाना वो जगह 100 किलोमीटर प्लस दूर है. मेरे को मेरा केक लेने के लिए खुद निकलना पड़ा है. एंड हम आए देखो कैसे गांव में है. या एक ही गांव है जहाँ केक मिल सकता है और वो पूरा गांव बंद है. भैया की वजह से हमें केक मिला है. हम है अभी सांतलपुर गुजरात में और ये स्टोर बंद था. अभी इन्होंने इनकी मदद से खोला. एवरीबॉडी ये एक और पुलिस का चेक पोस्ट आया है. अभी हम जा रहे हैं धोलावीरा रन ऑफ कच्छ के लिए. एवरीबॉडी अभी हमें रन ऑफ कच्छ के नियर बाई और यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं. सुनने में ये भी आ रहा है कि यार डीजल वीजल की हड़ताल में चलने लगी. अब वो पता नहीं इस इलाके में तो नहीं है. गुजरात में कहीं तो है. और यहाँ से चाय ली और ये यहाँ पे देखो फावड़ा और ये जलेबी. तो यहाँ से चाय वगैरह पी के आए हमें. इधर जलेबी फावड़ा वगैरह सब कुछ मतलब इधर मिलता है यार. गुजरात में तो ऑफकोर्स मिलेगा. यहाँ का ये वेशभूषा है. एंड यहाँ से मैं खा पी के आया. ये अपनी गाड़ी खड़ी है. एंड वो सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है धोलावीरा के लिए. अरे ताऊ का लुक शानदार आ रहा है. अरे जी आपका ताऊ जी लुक बड़ा जोरदार है. आपका लुक बड़ा शानदार आ रहा है. आपका ये जो पहनावा है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हैं? मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही. आपको मेरी नहीं आ रही. चलो हंस के निकल लेते हैं. बाय बाय. ये गुजरात में कोई जगह ये है धोलावीरा के रास्ते में. यहाँ से हमने 3 बोतल का कार्टन सोर ले लिया. हमारे पास 2 तो अभी पड़ी है गाड़ी में ऑलरेडी. लेकिन 2 में भी शायद 1 बची है ढंग से. ये और ले रहे हैं आगे. काम आती है यार हर जगह. रेट भी बड़ा सही दिया सर ने. तो ये जी अपना केक अपने उस्ताद के जी अपने क्या शानदार केक चूज किया जो गुजरात में मिल जाए वो भी आखिरी गांव में. एवरीबॉडी देखिए केक कट हो गया हमारा. इस जगह पे हम अभी हैं एग्जैक्टली. ये गुजरात का कोई इलाका है. ये हमारा केक कट हो गया बर्थडे का. ठीक है यार बढ़िया हो गया. केक भी काफी टेस्टी. तो गाइज ये देखिए बिल्कुल खाली खाली रोड और हम ड्राइव करते हुए आगे जा रहे हैं. आज क्या शानदार माहौल है. क्या शानदार वाइब आ रही है. एक तो अपना बर्थडे है एंड 2024 भी शुरू हो गया है. तो और ये देखो रोड किस तरीके की खाली खाली रोड से होते हुए जा रहे हैं. अभी तक धोलावीरा 74 किलोमीटर दूर है. ये देखिए धोलावीरा 57 किलोमीटर. छोटे छोटे से क्या है कि ऐसे से एक दो चार मतलब कह सकते हैं एक तरीके से शहर से ही है ये. एंड ये यहाँ के लोगों का पहनावा आप देख सकते हैं. और इधर ना नमक वमक का काम खूब है यार. बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलता है. बिल्ली रास्ता काट गई. चले चले कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता. नेगेटिविटी नहीं फैलाते. यहाँ पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएंगे लेकिन जहाँ भी मिले तेल फुल करवा लो लेकिन अपनी गाड़ी में फुल है. एंड ये देखो हम भी फुल है. हाँ गाड़ी में तेल फुल है तो हम भी फुल होके जा रहे हैं. मतलब यहाँ का वेशभूषा बहुत अलग है. और घरों का स्ट्रक्चर तो यार कहीं ना कहीं राजस्थान जैसा ही है. देखो पत्थरों के घर है. कोल्लू के नहीं ये पत्थर की है ना दीवारें. तो छतें छतें कोल्लू की है भाई. एवरीबॉडी लुक एट दिस. हम रण ऑफ कच्छ के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं. क्या शानदार नजारे. इस तरफ तो काफी नमक भी देखने को मिल रहा है बट इस तरफ सूखा सूखा है बट दलदल है बहुत खतरनाक. एवरीबॉडी पेश है आपके लिए ब्यूटीफुल रण ऑफ कच्छ. नमक ही नमक.
एंड इस तरफ देखो क्या शानदार दलदल और बीच में ये रोड, थोड़ी देर बाद में बीच में रोड रहेगी और साइडों में पानी होगा। एवरीबॉडी यही वो जगह है जहाँ मेरे को जाना है वे थ्रू हेवन। इस जगह के लिए मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ यार। तो यहाँ पे क्या अभी भी खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई में ही यहाँ पे सब कुछ चीजें मिली है। तो ये देखो ये है धोलावीरा में 3 पॉइंट, एक तो फुल मून व्यू जो कि आपको लेफ्ट जाके आता है और एक सनसेट पॉइंट है वो भी इधर है। तो सनसेट पॉइंट का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी ढोरदो वाले रास्ते पे जाना है। तो हमें जो यहाँ की लोकल जो साइटिंग है, जो यहाँ के बारे में यहाँ की चीजें बताई हुई है, पहले चलेंगे उस जगह पे। मैं अभी पहुंच गया हूँ धोलावीरा में और गाड़ी वाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। तो ये धोलावीरा में सबसे पहले एक म्यूजियम बनी हुई है जिसके अंदर अभी हम जाएंगे। और अभी क्या स्कूल के बच्चे बहुत आए हुए हैं, आप देख सकते हो। धोलावीरा 5000 साल पुरानी ऐसी हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं उससे बिलोंग करता है और यहाँ पे प्राचीन प्रूफ मिले हैं कि यहाँ जैसे लोग रहा करते थे। धोलावीरा टाउन कुछ इस तरीके का हुआ करता था। एक आर्टिफिशियल इमेज बनाई गई है, यहाँ अभी भी खुदाई चल रही है और यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया हुआ है। वैसे 1990 में इस जगह को फाइंड आउट कर लिया गया था, ये उस टाइम में पानी का यहाँ पे स्रोत हुआ करता था। ये पुराने टाइम का जलाशय है, खुदाई के दौरान ये सब चीजें मिली है, यानी कितनी बड़ी बात है। लुक एट दिस यार, कितना ब्यूटीफुल है, कह सकते हैं कि ऐसी सदी जो हमने कभी देखी नहीं। और ये देखो यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, यानी ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर थी यहाँ की। यहाँ इनके जो शिलालेख यहाँ पे मिले हैं ना, उनको कोई रीड करने वाला भी नहीं मिला। ये सिंधु सभ्यता की 5वीं सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं। इसकी खुदाई रोक दी गई है बीच में, ये बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी खुदाई रोक दी गई है जस्ट बिकॉज ये बहुत ही बड़ा है। अच्छा, पहाड़ों में भी है, बहुत लंबा चौड़ा बता रहे हैं यार इसको। एंड ये देखो यार कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, पहले के गोल 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 भी घर हुआ करते थे क्या। ये देखो बहुत एकड़ में फैला हुआ है। तो ये क्या पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर है, ये यहाँ पे भी इस तरीके के सेम स्ट्रक्चर है, बट अभी इसकी खुदाई रोक दी गई है। बहुत बड़ी खोज है ये। प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, आज बर्थडे के दिन मिले ये सब मुझे। आपके बहुत सारी बिग फैन है एवरीबॉडी। यहाँ से देखो काफी अच्छा व्यू मिल रहा है अपने को धोलावीरा का। ये धोलावीरा मेन जो टाउन होता था, बहुत गहरा ये, आई थिंक 7 मंजिला नीचे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, शायद ये वो ही है। ये गुजराती सर मिले अपने को एंड ये बच्चे तारा रारा पे डांस करेंगे। वाह सर वाह, क्या बात है। एंड देखो यार दोनों तरफ समंदर और बीच में रोड, क्या अमेजिंग व्यू है यार, क्या सही में अमेजिंग व्यू है। और आगे चल के तो बिल्कुल समंदर सा आ जाएगा, फिर तो और भी मजा आएगा, फिर हम लेंगे ड्रोन शॉट यहाँ के। एवरीबॉडी लुक एट दिस, ये है फ्लेमिंगोस जो पानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और ये मैं दीप ढाल। Okay.
बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अब रेडी अपना मॉन्स्टर पहुंचा हुआ है। इस रोड पे देख सकते हो आप दोनों तरफ पानी पानी और बीच में ये रोड जिसके लिए लोग बहुत दूर से चल के आते हैं। मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार इस रोड पे मुझे भी आना है और ये मेरा मतलब एक ड्रीम पूरा हुआ है। आज मेरी बकेट लिस्ट के बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि जो मैंने सोचा था कि लाइफ में यहाँ यहाँ जाना है उनमें से एक ये जगह भी थी जो मैंने आज आके कम्प्लीट की। ये देखो यार सॉल्ट लेक क्या गजब लग रही है। और वहाँ देखो कलरफुल कपड़े मिलते हैं जिनको पहन के आप यहाँ पे फोटोग्राफी भी करवा सकते हो। और ये नमक ही नमक है, बिल्कुल गीला गीला होगा। रन ऑफ कच्छ का सनसेट देखिए, वो पहाड़ के बिल्कुल नीचे जा रहा है, आंखों के सामने देखते देखते नीचे चला गया। एंड यार लुक एट द ब्यूटी यार, लुक एट द ब्यूटी यार। ये सारी ब्यूटी को अभी हमें अंधेरे में कवर करना पड़ेगा इसके नीचे जाने के बाद। एवरीबॉडी जो सामने से लाइट आ रही है ये इवनिंग लाइट है, सनसेट हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ व्हाइट रन की तरफ। और नजारे आपके सामने है, दोनों तरफ समंदर है, बीच में रोड है। लव दिस प्लेस, लव दिस ब्यूटी, मस्ट विजिट गाइस, मेरी तरफ से फुली रिकमेंड है आप लोगों को। एवरीबॉडी ये देखिए, ये व्हाइट रन में आपको कैंप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो सफेद रन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है राइट में, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो आप रन में इस तरह कैमल राइड भी ले सकते हो जैसे पुष्कर में अवेलेबल रहती है। एवरीबॉडी यहाँ गाड़ी रोकी है और ये देखो यहाँ पे कैंप्स बहुत बने हुए, रिजोर्ट बने हुए हैं। यहाँ चेक पोस्ट है BSF का, यहाँ से आपको आगे जा सकते हो आप कच्छ की तरफ, जो व्हाइट कच्छ है वहाँ एक्सप्लोर करने के, थोड़ा घूमने के लिए। हम कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ के जो लोकल BSF के हैं वो बोले कि हम आपकी मदद कर दें, यहाँ कोई जगह दिलवा देंगे, तो हमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। जो यहाँ पे BSF के ऑफिसर हैं एंड दे आर फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थानी राजस्थानी वाला कलेक्शन बना है, तो ये हमें लोकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। एवरीबॉडी ये देखो रण उत्सव चल रहा है यहाँ पे और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। खूबसूरत है यार रण, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा सजा रखा है, रण महोत्सव चल रहा है यहाँ पे। एंड छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं लोकल, ये देखो क्या शानदार डेकोरेशन कर रखी है। और ये देखो लोकल स्टोर्स लगे हुए हैं, खाने पीने के बहुत ऑप्शन है भाई इधर।